हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899-123-008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, और उसमें हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड कंट्रोल्स। और अब जो अगला टॉपिक है हमारी स्टडी में है वो ऑडिट कंसिडरेशन इन केस ऑफ आउटसोर्स आईटी एक्टिविटी, यानी कि आईटी एक्टिविटी अगर आउटसोर्स्ड हो जाए तो वहाँ पर क्या कैसे ऑडिट किया जाएगा, क्या कंसिडरेशंस होंगे ऑडिट के, क्या पिक्युलियरिटीज़ होंगी और क्या चीज़ देखी जाएगी। यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो डेटा धीरे धीरे होकर बहुत वैल्यूएबल बन गया आज की डेट में, और उसके पीछे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रखा हमने, उसके अलावा हमने उसके पीछे कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं, आईटी फैसिलिटीज़ क्रिएट की, तो पूरा एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया। अब हमने उसे आउटसोर्स कर दिया क्योंकि कॉस्ट कंसिडरेशन की वजह से हमने सोचा उसको कॉस्ट कम करें, उसे आउटसोर्स कर दें, और हमने एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया। तो कई बार ऐसा होता है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को हम आईटी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स कर देते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटी आउटसोर्स कर सकते हैं। तो जो भी एक्टिविटी हम आउटसोर्स कर रहे हैं वो इंक्लूड करती है आईएएस ऑपरेशन मैनेजमेंट, आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, एप्लीकेशन सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हम आउटसोर्स कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है एक पर्टिकुलर ऑपरेशन ही आउटसोर्स कर दिया, हमारे पास एक डेटाबेस है हमने उसे आउटसोर्स कर दिया। दूसरी बात यह है हमने पेरोल है उसे आउटसोर्स कर दिया, तो पर्टिकुलर ऑपरेशन को आउटसोर्स कर दिया। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दिया, यानी कि हमने कहा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होगा उसको पूरा आप मैनेज करोगे, यानी हार्डवेयर जो होगा, सॉफ्टवेयर जो अगर जो होंगे, कौन से लगाने क्या लगाने हमसे आप पूछोगे, और आईटी फैसिलिटी हो गए तो सारा मैनेज आप करोगे, हम इसमें एम्प्लॉई नहीं लगाएंगे, आउटसोर्स कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में क्लीनिंग आउटसोर्स होती है, सफाई आउटसोर्स होती है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मालूम पड़ा डेटा है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है और आईटी फैसिलिटी है, हमने कहा इस आईटी फैसिलिटी को आप मैनेज करो, इसमें जो पावर है और जो एसी है ये सारी चीज़ें आप मैनेज करो, या फिर हमने उसे कह दिया कि हार्डवेयर आप मैनेज करो। तो बेसिकली आईएएस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर वो मैनेज कर रहा है, ये भी हो सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है, अगर मान लिया सपोज ऐसा है कि एक कंपनी है बाहर हमारे पास आई, आपके विप्रो या इंफोसिस जैसी कंपनी है, हमने कहा आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे, ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है आप डेवलप करोगे, या हमारे पास पूरा सिस्टम है उसको मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हमने, मेंटेनेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जनरली आईटी में, काफ़ी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एएमसीज होती हैं, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर एएमसीज होंगी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होंगी, बहुत सारी एएमसीज होंगी। तो जनरली क्या है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है आईटी एक्टिविटीज़, जो आउटसोर्स आईटी एक्टिविटीज़, उसके रिगार्डिंग वीक रिस्क मैनेजमेंट होता है, और कई बार ये इंटरनल ऑडिट के परिव्यू में आता भी है तो इंटरनल ऑडिटर उसको ऑडिट नहीं कर पाता है। तो बेसिकली अगर मान लिया सपोज आउटसोर्स एक्टिविटी है तो कई बार ऑडिट चार्टर में वो इंक्लूड नहीं होती है, वो नहीं होता है कि अब आपने स्कोप वगैरह मांगा तो आउटसोर्स एक्टिविटीज़ को ऑडिट करने का उसमें नहीं लिखा होता है, स्पेसिफिकली नहीं स्कोप बताया नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि बेसिकली हमें क्या है, इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स देखने पड़ेंगे, एग्रीमेंट्स देखने पड़ेंगे, मतलब ऐसा है कि थर्ड पार्टी आउटसोर्स पार्टी होगी उसके साथ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले जाकर, जैसे हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं अब इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में हम जा रहे हैं, ऐसी कंपनी के पास जा रहे हैं जहाँ पर आउटसोर्स्ड है चीज़ें, तो सबसे पहले जाते हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, तो फिर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि वो पर्टिकुलर सर्विसेज जो आउटसोर्स हैं उसमें कौन सी, उसमें इंटरनल कंट्रोल्स की क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, बाकी चीज़ों की क्या रिक्वायरमेंट है, सर्विस लेवल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, और ये सर्विस लेवल्स और सर्विसेज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, एग्रीमेंट्स में लिखा है कि नहीं लिखा है, जो सर्विस प्रोवाइडर के साथ हमने एग्रीमेंट किया है। कई बार क्या होता है कि एग्रीमेंट्स में एम्बिग्युइटी होती है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से ड्राफ्ट किया गया होता है उसके कई अर्थ निकल रहे होते हैं, तो ऑडिटर ये असर्टेन करेगा कि सारी आईटी प्रोसेसेस और एक्टिविटी जो आउटसोर्स हो चुकी हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास, उसके एग्रीमेंट्स हैं हमारे पास, बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो बहुत गलत बात है।
कॉन्ट्रैक्ट्स होना जरूरी है और जनरली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आईटी आउटसोर्सिंग की गई तो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जॉस्टिव नहीं होंगे, बहुत से केसेस में ये दिखाया जाएगा। रेयरली ही आपको केस दिखेगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी आउटसोर्स कर दिया गया है विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग की गई। जनरली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं एम्बिग्विटी होगी पूरी तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स स्पेसिफाइड नहीं होंगी, कई जगह सर्विस लेवल्स डिफाइंड नहीं होंगे, स्कोप ऑफ सर्विसेज नहीं डिफाइंड होंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक पतला सा एक पेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसमें कोई अपेंडिक्स वगैरह नहीं होगा, तो वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। तो अगर नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हम आउटसोर्सिंग एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो अगर मान लिया सपोज काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी हमें नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट आउटसोर्स एक्टिविटी, क्योंकि हम ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिट क्या करेंगे, ऑडिट में क्या करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाएंगे, इंटरनल कंट्रोल कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाएंगे, और क्या कहते हैं नेचर, एक्सटेंट और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमाइन करेंगे आउटसोर्सिंग आउटसोर्स एक्टिविटी का, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रमाइसिस में नहीं होगा, थर्ड पार्टी के प्रमाइसिस में होगा। तो हमें थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर कई बार क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा होता है कि हम ऑडिट करवाएंगे, एग्रीमेंट स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं होता है कि सर्विस प्रोवाइडर के साथ कि जो आउटसोर्स्ड सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑडिट कराएगा। मालूम पड़ा अगर मान लिया सपोज एक्स कंपनी है उसने वाई को आउटसोर्स कर दिया, एक्स और वाई के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि जो आउटसोर्स वाई कंपनी है उसमें एक्स का ऑडिटर आकर चीज़ों को ऑडिट करेगा, ये उसके कॉन्ट्रैक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हमें क्या करना पड़ेगा, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी, जो इनपुट कौन देता है, उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा इनपुट के बाद हमारे पास वहाँ से आउटपुट आता होगा, क्योंकि हमने आउटसोर्सिंग की है तो इसका मतलब कुछ इनपुट जाता होगा कुछ आउटपुट आता होगा वहाँ से, तो आउटपुट की क्वालिटी कौन चेक करता है, इसके रिगार्डिंग हमें रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेंगी। सर्विस डिलीवरी होती है मतलब वहाँ से कुछ आउटपुट आएगा या सर्विस डिलीवरी होगी या परफॉर्मेंस होगी, उसकी क्वालिटी हमें देखनी पड़ेगी। रिस्क देखने पड़ेंगे आउटसोर्स एक्टिविटी से जो एसोसिएटेड है, मालूम पड़ा थर्ड पार्टी है आउटसोर्स कर रखा है तो वो थर्ड पार्टी के वहाँ से कोई चीज़ हमारा इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, कंट्रोल्स, इसलिए कंट्रोल्स होनी चाहिए वहाँ पर, कंट्रोल्स एस्टेब्लिश हुए हैं कि नहीं हुए हैं सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा और एग्रीड टर्म्स में हुए हैं कि नहीं हुए हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ऑडिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एग्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो हमें वहाँ देखना पड़ेगा क्या रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन उसे कंट्रोल नहीं करता है। तो फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा, उन रिस्क को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद देखना पड़ेगा अगर ऑडिट करने की इजाज़त है तो हम वहाँ जाएंगे ऑडिट करेंगे, और फिर ऑडिट करने के बाद हम ये देखेंगे कि सर्विस प्रोवाइडर वो कंट्रोल्स लगा रखे हैं कि नहीं लगा रखे हैं, और कंपनी के अंदर ये देखेंगे सर्विस लेवल्स प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक पर्टिकुलर रीजनेबल लेवल ऑफ सर्विस जो टर्म्स के अनुसार है वो प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि हम ऑडिट प्लानिंग करेंगे, तो ऑडिट वर्क कमेंस करने से पहले हम क्या दे प्रीलिमिनरी रिव्यू करेंगे उस आउटसोर्स कंपनी का, उस प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स देखेंगे और ये देखेंगे कि सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या हैं, थर्ड पार्टी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, उन सबको स्टडी करेंगे। उसके बाद हम जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कंपनी है ये क्या है, स्टेबिलिटी क्या है उसकी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ सर्विसेज क्या है, अगर कोई एमएनसी वेल एस्टेब्लिश्ड एमएनसी होगी, कोई 100 इयर्स की सर्विस रिकॉर्ड या 50 इयर्स का रिकॉर्ड या 20 इयर्स का रिकॉर्ड होगा तो मार्केट में उसकी एक वैल्यू होगी, गुडविल होगा, ब्रांड होगा, तो हम पता करेंगे इसका इसका सर्विस का लेवल क्या है, इसका मार्केट में इसका नाम है नहीं है, गुडविल है नहीं है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने बोला राइट टू ऑडिट क्लॉज होना चाहिए एग्रीमेंट में, ये प्री रिक्वेस्ट है, ये होना ही चाहिए, अगर सर्विस प्रोवाइडर के एग्रीमेंट में राइट टू ऑडिट क्लॉज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आउटसोर्स जहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हो वहाँ पर राइट टू ऑडिट क्लॉज होना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी कहती है ऑडिट परफॉर्मेंस, यानी कि अब हम ऑडिट को परफॉर्म कर रहे हैं तो सर्विस लेवल फ्रेमवर्क देखेंगे सर हम, ऑडिटर ये इंश्योर करेगा सर्विस लेवल फ्रेमवर्क है कि नहीं है, और सर्विस लेवल फ्रेमवर्क है तो रिस्क मैनेजमेंट और कंट्रोल फ्रेमवर्क्स हैं कि नहीं है। उसके बाद सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स देखेंगे,
आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर से, और ये देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स को कंप्लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो एग्रीमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी और प्रोसीजर्स को और उसके सर्विस लेवल फ्रेमवर्क्स को के को एडहेयर करना चाहिए। यानी कि हमें अगर एक पर्टिकुलर सर्विस लेवल चाहिए, सर्विस चाहिए तो वो सर्विस लेवल चाहिए तो सर्विस लेवल फ्रेमवर्क उस आउटसोर्स बंदे के साथ हमारा आउटसोर्सिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका सर्विस लेवल फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मिनट्स ऑफ मीटिंग देखेंगे, डिस्कशन देखेंगे अगर ऑडिटी और एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर है इनके बीच में। ऑडिटर जो है ऑडिट प्रोसीजर्स कंडक्ट करेगा, और उसके बाद क्या है क्वालिटेटिव ऑफ क्वांटिटेटिव प्रोविजंस चेक करेगा, मतलब एग्रीमेंट के प्रोसीजर्स जो जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रोविजंस है वो सारे चेक करेगा। उसके बाद ऑडिटर ये देखेगा कि सर्विस प्रोवाइडर सारे लीगल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना चाहिए, आउटसोर्स सर्विस एक्टिविटी की जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट आउट करनी चाहिए। उसके बाद हमने पहले ही बोल दिया कि राइट टू ऑडिट क्लॉज होना चाहिए, और उसके बाद ये है कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर जो जिस कंपनी को हमने आउटसोर्स किया है उसको सर्विस उसको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके पास एक BCP होनी चाहिए, बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान होना चाहिए। अगर बिजनेस कंटिन्यूटी का प्लान नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस डिलीवरी नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम है। उसके बाद नॉन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है उसका नॉन डिस्क्लोजर इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब NDA साइन होना चाहिए। NDA मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट कहते हैं उसे, और NDA होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ आउटसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो गया, मालूम पड़ा हमारा लॉस नहीं कवर अप कर पाया, तो वहाँ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हमने कहा था कि परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो ऑडिटर क्या करेगा, बेसिकली परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा और परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करेगा। तो कोई ना कोई मेजरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए दोनों के बीच में, एग्रीड आउटसोर्स जो सर्विस प्रोवाइडर है आउटसोर्स और जो सर्विस रिसीवर है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन हम ऑडिट कर रहे हैं वो सर्विस रिसीवर है, उसने आउटसोर्स किया, तो वहाँ पर क्या है उसको परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए कोई मेजरमेंट मैकेनिज्म होना चाहिए और एग्रीड होना चाहिए दोनों के बीच में, क्लियर कट होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। जो भी सर्विस आ रही है वो मिनिमम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, और ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स एग्रीड होने चाहिए या जनरली एप्लीकेबल होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स जनरली एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार होने चाहिए। यानी कि अगर सैलरी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें कितना वेरिएशन आए, उसमें 100% मैच करना चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर आप क्वालिटी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के अनुसार सर्विस लेवल की को मेजर करने के लिए एक मैट्रिक्स बना सकते हो, और उसी के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। आप मॉनिटर करोगे वहाँ पर, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करोगे, बेंचमार्किंग हो सकती है सर्विसेज का। अगर मान लीजिए सपोज एक पर्टिकुलर कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेज है, तो उससे हम बेंचमार्क भी कर सकते हैं कि भाई ये सर्विस लेवल है, ये बेंचमार्क सर्विस लेवल है और इसके बेंचमार्किंग के अनुसार हमें आपको सर्विस देनी है। उसके बाद अगर सर्विस लेवल एग्रीड लेवल से नीचे हो जाती है तो पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस होने चाहिए, जो आप फीस देंगे उसमें से पैसे काट लेंगे, पेनल्टीज और लिक्विडेटेड डैमेज। जनरली क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्लॉज होता है लेकिन जनरली काटे नहीं जाते हैं, जनरली जो है ऑर्गेनाइजेशन नहीं काट रहा है, लेकिन आपको आपके पास क्लॉज होना चाहिए और ये डिडक्ट करना चाहिए। जनरली डिडक्ट करेंगे तो आपका सर्विस लेवल मीट आउट होगा। तो इस तरीके से आप आउटसोर्सिंग का ऑडिट करेंगे। आउटसोर्सिंग में बेसिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, अगर कहीं पर जाओगे तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट देखोगे, उसके बाद कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट मैट्रिक्सेस देखोगे, तो कई बार उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई इसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या आ रहा है। उसके बाद जो इसके कंज्यूमर हैं, यानी कि जो आउटसोर्स सर्विसेज के कंज्यूमर हैं, यानी कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑडिट करने जा रहे हैं वो उसका कंज्यूमर है, उसकी सर्विस का कंज्यूमर है, तो वहाँ पर क्वेश्चनर फ्लोट किया कि नहीं किया रिलेवेंट स्पॉक ने, HR ने, कि भाई तुम्हें सर्विसेज पसंद आ रही हैं कि नहीं पसंद आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है कि नहीं है, वो डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, ताकि हमें ये उस डॉक्यूमेंटेशन देखकर ये पता चले कि हाँ आउटसोर्सिंग में कितनी प्रॉब्लम है और फिर उसे हम ठीक करें।
तो इसके बाद हमारी स्टडी का जो अगला टॉपिक है वो है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क। तो हमारी स्टडी कहती है कि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आईटी के साथ बहुत सारे रिस्क हो जाते हैं। आप डेटा है, डेटा के साथ बहुत सारे रिस्क हैं, उसके उसको प्रोसेस करने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके साथ बहुत सारे रिस्क हैं, उसके कंप्यूटिंग फैसिलिटी में रिस्क हैं, कंप्यूटिंग फैसिलिटी के बाद आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी कंप्यूटिंग फैसिलिटी आपने पूरी की पूरी क्रिएट की है, तो उसमें सारी चीज़ मिलके एक रिस्की सी सिचुएशन बन जाती है। कहीं पर भी रिस्क हो सकते हैं और डेटा को कभी भी डिलीट किया जा सकता है, और डेटा छोटी सी छोटी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आ रहा है। हर साल दो साल में मालूम पड़ा है एक छोटी से एरिया में पर्टिकुलर कॉस्ट में डबल डेटा आ जाता है, ट्रिपल डेटा आ जाता है हर दूसरे साल या 18 महीने में या दो साल बाद या ढाई साल बाद उतने एरिया में मतलब दुगना डेटा आ जाता है। और तो इस तरीके से छोटी सी जगह पर डेटा आ रहा है और डेटा बहुत वैल्यूएबल हो रहा है और वो डेटा जो है कभी भी डिलीट किया जा सकता है, तो बहुत सारे रिस्क क्रिएट हो रहे हैं और इन रिस्क को मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है। इन एक्सटिंग्विश तो नहीं कर सकते, मिटिगेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बिज़नेस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। तो इसको मिटिगेट करने के लिए ऐसा लगता है कि जैसे डेटा, मतलब आपको ये लगेगा बिज़नेस रिस्क को मैनेज करना बहुत इजी है आईटी का यूज़ करके, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है कई मत, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और मालूम पड़ा वो इफेक्टिव आईटी रिस्क मैनेजमेंट करना चाहता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो फायरवॉल लगाए, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लगाए और सारा काम हो गया। असल में क्या होता है कि जो सिक्योरिटी है वो कॉम्बिनेशन होता है टेक्निकल और ह्यूमन कंट्रोल का, और वो राइट प्रोपोर्शन में होना चाहिए, और प्रोपोर्शन चेंज होता रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर ह्यूमन बीइंग है, सपोज ह्यूमन बीइंग है, पहले क्या था, ह्यूमन बीइंग हर जगह पर था, धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेट हुई, ऑटोमेट होने के बाद क्या है कि धीरे धीरे नीचे के वर्क ऑटोमेट होते चले गए, रेगुलर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्ड इवन सेमी स्ट्रक्चर्ड वर्क ऑटोमेट होते चले गए, धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग ऊपर के लेवल पर बैठा रहा, ऊपर हायर लेवल पर बैठने लगा, वहाँ पर उसके पास वहाँ से वो कंट्रोल करने लगा। तो वो कंट्रोल कर रहा है, वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, किस तरीके से चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, और तीसरी बात यह है कि आज पाँच साल में पूरी जनरेशन चेंज हो जाती है, तो हर साल डेढ़ साल में क्या है कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का मिक्स चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ गई, ह्यूमन बीइंग के पास जो आपका एम्प्लॉई है वो उसकी नॉलेज अपग्रेड नहीं हुई, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्क को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक राइट प्रोपोर्शन होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए टेक्निकल और ह्यूमन कंट्रोल का, तभी रिस्क को मिटिगेट किया जा सकेगा, कभी रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल पर रखा जा सकेगा, और ये चेंज होता रहेगा, राइट प्रोपोर्शन जो है वो चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर कुछ समय बाद टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। तो दोनों का कंट्रोल्स होना चाहिए। अगर मान लिया कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स है, आपने कॉम्प्लेक्स कंट्रोल्स बना दिए, तो फिर क्या है, आप इन्फोर्स नहीं कर पाओगे। मालूम पड़ा आपने भूला इंटरनेट बैंकिंग कर दी, आप HDFC बैंक आपके पास यूज़र हो और आपने कहा कि हर तीसरे दिन पासवर्ड चेंज करना है, तो एम्प्लॉई इरीटेट हो जाएगा, सॉरी एम्प्लॉई जो कह रहा हूँ, जो बैंक होल्डर है, जो अकाउंट होल्डर है, वो इरीटेट हो जाएगा। मतलब आप कहो कि हर 15 दिन बाद पासवर्ड चेंज करना है, हर 30 दिन बाद पासवर्ड चेंज करना है, हर दो तीन तीन महीने में, एक साल में 4 बार पासवर्ड चेंज करना है, तो चलेगा, वो भी उसको भी रियलाइज़ होगा कि 3 या 4 महीने हो गए, चलो पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी, जैसे जैसे आप सिक्योरिटी बढ़ाओगे तो ऑपरेशनल ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे, फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट करेगी, बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी और एडवर्सली अफेक्ट करेगी, कई बार बहुत एडवर्स तरीके से अफेक्ट करेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, कंट्रोल्स पुअर कंट्रोल्स होते हैं, एजुकेशन नहीं होती है कस्टमर के पास, सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस के बारे में कस्टमर को पता नहीं होता है, तो फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड बढ़े, और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड बढ़े तो क्या हुआ, बिजनेस कंप्यूटर को चला गया, या लोगों ने क्रेडिट कार्ड जिस स्पीड से क्रेडिट कार्ड का ग्रोथ होना चाहिए उस स्पीड से बिजनेस ग्रो नहीं किया। तो आईटी कंट्रोल्स और सिक्योरिटी को एज अ होल देखना पड़ेगा,
इंडिविजुअली नहीं देखना पड़ेगा, और उसमें हमें सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज देखनी पड़ेंगी, कंट्रोल पॉलिसीज देखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिसेस देखनी पड़ेंगी, प्रोसीजर्स देखनी पड़ेंगी, और सबको कॉम्बिनेशन देखकर फिर हमें सिक्योरिटी देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हमें पता चलेगा सिक्योरिटी ऑप्टिमम है कि नहीं है। और इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या है कि मालूम पड़ा आपने सिक्योरिटी देखी, सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी तो ही है, ह्यूमन बीइंग है ही है, उसके अलावा पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज लगी हैं कि नहीं लगी हैं, कंट्रोल पॉलिसीज कैसी हैं, इस सब का कॉम्बिनेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर रखने में हेल्प करता है। और ये कॉम्बिनेशन फाइन ट्यून्ड कॉम्बिनेशन होता है, एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन चेंज होता रहता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन समय बीतता जाता है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के नए स्टैंडर्ड्स आते जाते हैं, नई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आती जाती है, नए रिस्क आते जाते हैं, पुरानी चीज़ें कई बार रिस्क फ्री हो जाती हैं और कई बार रिस्क मैसिवली रिस्की हो जाती हैं, तो जो मिक्स है वो चेंज होता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है एग्जैक्ट साइंस नहीं है, उसमें आप एक्सपीरियंस से आपको कई चीज़ पता चलेंगी और कई चीज़ें चेंज होंगी, तो इवॉल्विंग साइंस है, कंटिन्यूसली आपको चेंज करते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली उसको अप्रेज करते रहना पड़ेगा और प्रैक्टिकली फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा सिक्योरिटी को प्रैक्टिकली, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो अंदर की सिक्योरिटी भी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होंगी, तो उन्हें फाइन ट्यून करते रहना पड़ेगा पास्ट के एक्सपीरियंस के अनुसार। तो अगर आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क बना रहे हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल का फ्रेमवर्क बना रहे हो, एक तो कंट्रोल फ्रेमवर्क होता है, एक कंट्रोल्स कहाँ पर काम करते हैं, एक फ्रेमवर्क में काम करते हैं, और यहाँ पर आप बना रहे हो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क जो होगा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिस तेज़ी से भागता है उसी तेज़ी से आपको उसे भगाना पड़ेगा। कहने का मतलब वो तभी इफेक्टिव होगा, तब तो सबसे पहले तो सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होनी चाहिए आपकी, और दूसरी बात ये है कि वो इन्वायरमेंट के चेंज को कोपअप करनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली कोपअप करनी चाहिए। तो ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई, लेकिन ये ऐसा ही है कि आप स्ट्रक्चर्ड वे में उसे देखने की कोशिश करोगे और उसको फाइन ट्यून करोगे चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ। तो बेसिकली रिस्क असेसमेंट प्रोसेस आप जो करोगे, ये फ्रेमवर्क जो है आईएएस कंट्रोल फ्रेमवर्क जो बनेगा वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बाद ही बनेगा, मतलब रिस्क असेस करोगे तो हर टाइम का रिस्क अलग अलग होता जाएगा। तो हमारी स्टडी कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट बताती है इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क की, और उसमें क्रिटिकल रिक्वायरमेंट में सबसे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है कि टॉप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग और उसका सपोर्ट। अगर वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न प्राइम बिजनेस कंसर्न है, टॉप मैनेजमेंट ये बोलता है कि ये सिक्योरिटी कंसर्न प्राइम बिजनेस कंसर्न है, तो टॉप मैनेजमेंट का मॉरल सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद टॉप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या है, अगर टॉप मैनेजमेंट में एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वेल एंड गुड, टॉप मैनेजमेंट है बजट एलोकेट करेगा, टॉप मैनेजमेंट ही क्योंकि वो कॉस्ट है बेसिकली, सिक्योरिटी लगा रहे हो तो क्या है कॉस्ट लगा रहे हो, तो टॉप मैनेजमेंट एक्सप्रेसली बजट एलोकेट करेगा भाई, ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट करेगा, और उससे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा उसका सिक्योरिटी के प्रति क्या कमिटमेंट है, कमिटमेंट है कि नहीं है, कि कम कमिटमेंट है, कि कितना कमिटमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस होनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उस एनवायरनमेंट के लिए कितना रेलिवेंट है, और ये एम्प्लॉई को पता होना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस होनी चाहिए और उसी के अनुसार प्रोटेक्शन देना चाहिए उस, वो जैसे मान लिया फेसबुक है तो फेसबुक में पता होगा, फेसबुक के एम्प्लॉई को ये पता होगा कि भाई यहाँ पर अगर मान लिया डेटा गया तो बिजनेस गया, तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर कई कंपनीज़ में कई डिपार्टमेंट होते हैं उसमें बिजनेस डेटा जाता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती, दूसरी बार क्रिएट करना पड़ता है, पेन स्टेकिंग होता है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, तो ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एसेट को इन्वेंटरी करेंगे, इन्वेंटराइज करेंगे और क्लासीफाई करेंगे, जो जो इंफॉर्मेशन एसेट्स हैं आप उसकी एक इन्वेंटरी बनाएंगे,
तो ये क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट है। आप इन्वेंट्री, जब आप एसेट्स की इन्वेंट्री बनाएंगे तभी उसे क्लासिफाई करेंगे, तभी उसको रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। जब इन्वेंट्री नहीं होगी तो क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। जब टॉप मैनेजमेंट समझेगा नहीं तो कोई सीरियस नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। टॉप मैनेजमेंट बजट नहीं देगा तो कोई सीरियस नहीं होगा। पैसा खर्चा होगा, आदमी लगेंगे, अगर नहीं वो होगा ऑर्गेनाइजेशन में अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क को हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद क्या है कि ये सारी चीज़ें होंगी, टॉप मैनेजमेंट हमारे फेवर में आ जाएगा, आप रिसोर्सेज एलोकेट कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन को अवेयरनेस हो जाएगी, इन्वेंट्री की एक लिस्टिंग बन जाएगी, तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे या इस्टेब्लिश करेंगे एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। और उस वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस वो होनी चाहिए जो बिज़नेस की स्ट्रेटेजी से अलाइन होनी चाहिए, क्योंकि उसका काम क्या है, बिज़नेस को बढ़ाना, बिज़नेस को हेल्प करना। उसके बाद टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार आप कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल जाते हैं तो आपको रिस्क पर्सपेक्टिव भी पता चल जाता है। ये सबसे पहले रिस्क असेसमेंट होगा और फिर एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क होगा, तो रिस्क असेसमेंट आपको पता चल जाएगा, रिस्क को असेस कर लोगे, रिस्क तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स आपको पता चल जाएंगे। तो आपको टेक्नोलॉजी वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि फिज़िकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी है, जैसे वो आप पता करोगे कि किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करें, अगर एक्सेस कंट्रोल्स किस तरीके से करें, उसके बाद बीसीपी किस तरह से करें, बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, अगर नया सिस्टम बन रहा है तो एसडीएलसी सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कैसे कंट्रोल करें, पुराने सिस्टम पुराना सॉफ्टवेयर है उसको मेंटेन कैसे करें, अगर पुराना सॉफ्टवेयर को हम अपग्रेड करें उसका अपग्रेडेशन कैसे करें, और अगर कोई नेटवर्क्स वगैरह हैं रिलेटेड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैं तो वो उसको उसको उसकी सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, एम्प्लॉय की सिक्योरिटी कैसे रखी जाए, इन सारी चीज़ों को देखेंगे हम। इसके में टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करेंगे या रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करेंगे, जो रिसोर्सेज इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इनेबलिंग रिसोर्सेज, बेसिकली इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इनेबलिंग रिसोर्सेज हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमने पहले भी बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी, हर इंफॉर्मेशन एसेट की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, कौन इसका ओनर है, कौन इसका कस्टोडियन है, वो ओनर के पास उस एसेट की अकाउंटेबिलिटी होगी। टॉप लेवल हाई रिप्रेजेंटेटिव गवर्निंग फोरम बना सकते हैं हम, जो जिसमें क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक आईएएस सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जो हैं, एक स्टेयरिंग कमेटी या हाई लेवल गवर्निंग बॉडी बना होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब मैनेजमेंट अगर कमिटेड है तो वो नॉर्मल मैनेजमेंट तो बिजनेस के बारे में जानता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज आईटी डिपार्टमेंट जानता है, तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की एक स्टीयरिंग कमेटी या गवर्निंग फोरम बनना चाहिए, जो कि सिक्योरिटी सारी की सारी सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स को देखे, बाकी और चीज़ों को देखे लेकिन सिक्योरिटी के बारे में भी वो देखे। ट्रेनिंग और अवेयरनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होनी चाहिए, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करने के लिए इंडिपेंडेंट व्यक्ति होने चाहिए, यानी हम जैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर होने चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जाएंगे इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट को मॉनिटर करेंगे कॉन्स्टेंटली। फिर क्या होगा कि एक इफेक्टिव कंट्रोल पॉलिसी बनेगी, फिर उसके बाद इससे क्या होगा, एक इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क बनेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनेगा, और वो इन सब चीज़ों से बनेगा। टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट बजट देना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स देना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन वाइड अवेयरनेस होनी चाहिए, टॉप मैनेजमेंट एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएगा, स्पेशलाइजेशन जो टेक्निकल एस्पेक्ट जानेगी, इन्वेंट्री बनाई जाएगी एसेट्स की, भाई एसेट्स पता होंगे तभी तो उनको सेव किया जाएगा, उनको उन पर कंट्रोल्स लगाए जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस होनी चाहिए, वो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस बिजनेस की स्ट्रेटजी से अलाइन करनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि रिस्क प्रोस्पेक्टिव और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स देखोगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करोगे, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी फिजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी देखोगे, फिजिकोलॉजिकल सिक्योरिटी देखोगे, फिजिकल सिक्योरिटी देखोगे, बीसीपी देखोगे, उसके बाद क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखोगे, उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करोगे इन्फॉर्मेशन एसेट पर, हर इन्फॉर्मेशन एसेट पर जिसकी आपने इन्वेंट्री बनाई है,
अवेयरनेस क्रिएट करोगे, तो इसके बाद आप क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में डायलॉग क्रिएट होगा और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, पैसा आ जाएगा, रिसोर्स एलोकेट हो जाएंगे, तो उनकी हेल्प से इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क बना सकते हैं। और उससे क्या होगा, वो इनपुट आएगा, लोगों का इनपुट आना स्टार्ट होगा, यहाँ पर सिक्योरिटी लैक्स है, यहाँ पर वीक है, तो वहाँ पर आप अच्छा इंफॉर्मेशन कंट्रोल फ्रेमवर्क क्रिएट करोगे और एक क्या करोगे, इसे फाइन ट्यून करते चले जाओगे। तो ये था इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल फ्रेमवर्क, आईएएस का कंट्रोल फ्रेमवर्क था। अगले सेशन में हम सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल फ्रेमवर्क था बेसिकली, और इसी के अंदर सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाएगी, सिक्योरिटी पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। उसी सिक्योरिटी पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अम्ब्रेला के नीचे बाकी स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, बाकी चीज़ें होंगी। तो अगले सेशन में सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। थैंक्स।